नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। मुरादाबाद में श्री गौ माता ट्रस्ट की ओर से रामलीला मैदान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह में सुबह से ही हवन यज्ञ चल रहा था, तो वहीं श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। उसके बाद श्रद्धालुओं ने यज्ञ की भव्य परिक्रमा की, बाद में आरती का आयोजन किया गया और फिर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष निशा सक्सेना, उपाध्यक्ष सलोनी जैन, वंदना सिन्हा, सचिन, कृष्णा प्रजापति, केशराम, आलोक आदि मौजूद रहे। अपने प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती तथा हर 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 महादेव। इधर है कि हम यज्ञ कुंड को छोड़ करके थोड़ी सी दूरी बना लें, भीड़ भाड़ ना मचाए। राधे राधे। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महाकाय गोटी सम प्रभा मेरी प्रार्थना है, बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा श्री कृष्ण। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सचिन सक्सेना है। जी, हम श्री गौ माता सेवा ट्रस्ट भारत को संचालित करते हैं। इसमें मैं सचिन के पद पर भारवाद हूँ। आज क्या कार्यक्रम का आयोजन रहा समाप्ति का? ये 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन रामलीला मैदान लाइन पर किया गया था, जिसमें 3 मई को कलश यात्रा और 4 मई से लेकर 10 मई तक श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन रहा था। भागवत कथा के विश्राम दिवस के बाद आज 9 दिवस में सुबह हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हवन के पश्चात भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे।